जब तो बूढ़ो जब उम्र हो जाए तब तो ताकत ना रही हमें तो फिर वगैरह बाद और भाग भाग करके निकले तो खा बन कर खा कर मैं सुबह भी इधर इसमें जाएगा ना अरे फिर हैं हैं ना मैं हैं बार ऐसा ना क्या शोए बाद है ना आ रहा रही बात सबीर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा फोटो खींचा काट के फोटो खींचा कैमरा से। सो आप लोग देखिए बहुत सारा कैमल है। ऊंट भी बोलता है हिंदी में और क्या इंग्लिश में बोलता है कैमल। सो ये देखिए, लेकिन इसका सामने मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, मुंह बहुत बड़ा होता है, गला में हम लोग का अटैक करता है, इसलिए ये लोग का सामने मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये हो गया और मेरा पीछे में जैसे कि वो सऊदी बॉर्डर है, सऊदी बॉर्डर है। सो देखिए आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, तो इसलिए लाइक और सपोर्ट जरूर करना भाई साहब को, ही शेयर कर देना। तो ये बात है और इसका देखभाल कौन करते है? ये भाई करते है, इसका भाई देखभाल करते है। तो भाई फ्रॉम इंडिया जैन सूदानी। सो ये देखभाल करता है। बच्चा फी बच्चा बच्चा मिन्ना खेत बेत इधर से बहुत धूप आ रहा है। अरे भाई साहब बकरी वाला क्यों एकदम इधर ये इधर ये दी भाई मत मजा आ रहा है। ना बना युग ना चालू का ओके ना बोला का हे मैं ना है के कई लेना बस सही लांडर के से कोई जरा ला फिर से बनवा रहा हाँ तानी मारो तानी मारो तानी मारो ऐसा करना है। रुको हम भी आता है ऐसा करते हैं। ये अभी सफर करेगा अभी शुशु कर रहे हैं सभी के इधर शुशु कर रहे हैं हाँ कर रहे समीर कैसा लग रहा है ऊंट का सवारी? अरे भाई साहब संभाल के हाँ बैलेंस नहीं है। आगे से है ना आगे से बाइक
गाइस, सो मैंने ऊँट की सवारी कर ली और बहुत सारा ऊँट है इधर में जो मजरे में काम करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, मजरे में जाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक और जरूर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, सपोर्ट करना। जो अरब कंट्री में देखिए, इस जगह में खाली मैदान में इधर ऊँट की देखभाल होता है। तो आप लोग देख सकते हो मजरे किसको बोलते हैं। इसका बात कुछ नहीं है, इधर कोई भी घर नहीं है, वो लोग इतना दुख से काम करते इधर में। ये बंदा आप देख रहे हो, इतना सारे ऊँट का वही अकेला देखभाल करता है। और ये देखिए कितना सारा ऊँट है, ये अकेला बंदा देखभाल करते है। देखिए बाप रे बाप, बहुत दिक्कत हो रहा है। मुझे भी बहुत ही डर लगा, तो इसलिए आप लोगों को बैक कैमरा करके ऊँट का बच्चा भी दिखा रहा हूँ। और ये मेरे साथ भाई आया है, नाम क्या है? एजाज। एजाज कैसा लग रहा है ऊँट की पिक्चर? बहुत अच्छा लग रहा है। एजाज थोड़ा कैमरा पकड़ेगा, थोड़ा हम लोग को वीडियो करने के लिए हेल्पफुल करेगा। तो अभी आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा। देखिए इस जगह में वो लोग रहते हैं, ये लोग बच्चे लोग हैं। मैं रास्ता मिल गया, सभी बहुत मजे कर रहे हैं। अभी मैंने मुझे उठा दिया, सभी अभी बहुत मजे कर रहे हैं। और सवारी बहुत ही मजेदार सवारी रह रहा है। और मुझे बोलते हैं, मुझे भी चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, उसको चलना है चलना है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी बहुत ही डर लगा है। वो पानी दे दो, किसी में पीने वाले डब्बा में है तो डर खा रहा मुझसे। सो गाइस, अभी ऊँट की बच्चे को देख रहे हो आप लोग। ये है ऊँट की बच्चे, बहुत प्यारा है, लेकिन डर भी लग रहा है, अटैक ना कर ले। और मैं दिखाने वाला हूँ। और बच्चे लोग अभी डर खा रहे हैं मुझसे, इसलिए वो लोग घूम रहा है, घूम रहे घूम रहे घूम रहे। इधर से देख, गुस्सा ही आ रहा है, वो गुस्से में आ रहा है, वो गुस्से में ऐसा साउंड निकाल रहा है। लेकिन क्या करें, हम लोग को भी एंटरटेनमेंट चाहिए ना, दूध पीने के लिए। वो मस्ती में आ रहा है, अभी आ रहा है, पूरा दूध पीने के लिए परेशान है। ये मम्मी के लिए, इसका मम्मी ये रहा भाई, ये देखो। एरिया है वो लोग का, ये एरिया है, वो साइड में भी एरिया है वो लोग घास खाने के लिए।
जो बंदा आपसे वेट कराऊं तो कराया है मैंने, उसका देखिए आस पीछे में कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक मकान है, आप देख पा रहे हो वो एक मकान है, मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, उसी में रहता है। सोचिए कैसा रहता है एक बंदा इतने गर्मी में, वो कैसा रहता है, ये बात हो गया। आसपास में कुछ नहीं है, ना कोई दुकान है, ना कोई शॉप है, ना कोई मॉल है। अगर इस काम पर कोई आते हो तो सोच के आइए, और बहुत ही मेहनत का काम है। जब और कुछ दिन बाकी है, धूप गिरने वाला है, बहुत कड़क धूप गिरने वाला है, ये कोई इजी काम नहीं है। और जो लोग आना चाहते हो इस काम पे, सोच के आइएगा। इसका दूध निकाल रहा है, ऊंट का दूध निकाल रहा है। सो गाइस देखिए दूध ले रहा है। अरे सारे अरे हरम ज्यादा देर का है भाई, फिर दातो 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 लागे चबाए जी। मालूम ना है तो दौड़े दर जब पीछे के लात मारी ना, हल्ला मत कर, हल्ला मत कर, देखा था दूध। यही से जन पा जाना तुम चल, अरे कहे जिस ऊपर ही ना क्यों अभी हमारा कोई दिया नहीं सिर कुल हाँ मत करो हट, डाटा मत पकड़ नहीं साबिर मुंडा फेंक दे किसी याद नहीं। अरे ओइ चला जाइयो ना, ठीक है ठीक है सर, वो जो राख पर लपड़ा फेंक सा राख पड़ता से कदे पकड़े ना। गड़िया में से एक छोटका डब्बा ले लेवा जाए क्या जाता रहा
एक बार दूध देखो, ये देखिए दूध लिया हम लोग ने। गैस ये हो गया ऊंट की दूध, ये ऊंट का दूध है। कभी आपने देखा नहीं होगा। हाँ कभी आपने देखा नहीं है, ये ऐसे ही बोला है। ये ऊंट का दूध आप लोग कैसा होता है ये आप लोग कभी देखा नहीं है, आप लोग देख लीजिए लाइव में। और हो सके तो इस वीडियो को जोर से सपोर्ट करिएगा और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग को मैं पहले बार ऐसा दिखा रहा हूँ वीडियो, और कोई तो दिखाया नहीं है। हाँ तो जी बोतल बोतल हुआ जी भाई साहब, ज़्यादा बोतल लाया। चामी यो फक्कर फक्कर, अरे चामी यो फक्कर है बीच ये चीज़ चीज़ आप बाबा आप भी नहीं किया ने बस ले हाथ हाथ अपने सुगल माल फंटा उनका ठेका तो मज़े हमारे बोतल मामा है। गैस अभी इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। ओके बाय बाय गाइस, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहले बार मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कैमल का और दूध भी दिखा रहा हूँ। तो ये भाई साहब है, ये अकेला रहता है पूरे, देखिए उसका घर उधर में है, तो ये रेगिस्तान में और पूरा अकेला रहता है। तो भाई साहब अभी इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। ओके बाय बाय, तो सपोर्ट करते रहिएगा।